जयो राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवाशदि गौरभक्तवृन्द, जय श्री कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय ओम विष्णु परमहंस परिवेचार्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीना श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की जय ऑल ग्लोरियस असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरियस असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरियस असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरियस श्री गुरु एंड गौरांग श्रील प्रभुपाद की आप लोगों से प्रार्थना है सब लोग आगे आ जाएं जो दूर बैठे हैं सब लोग कृपा करके आगे आएं मेरे पीछे बोलें ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 अध्याय का नाम परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 2 पेज नंबर 295 सब लोग निकालिए नहीं मिला 295 295 इनको नहीं मिला 295 पेज नंबर किताब बदल लो आपको मिल गया आपको सब लोग मेरे पीछे बोले राज विद्या राज गुह्य राज विद्या राज गुह्य पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम् राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रम् इदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम् राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रम् इदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम् राजविद्या राजगुह्या राजविद्या राजगुह्या पवित्रम् इदम् उत्तमम् पवित्रम् इदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम् सुसुखं कर्तुमव्ययम् राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रम् इदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म सुसुखं कर्तुमव्ययम् शब्दार्थ बोलिए राजविद्या
क्या बात है, लगता है कोई है ही नहीं। सब लोग बोलिए राज विद्या, राज विद्या, विद्याओं का राजा, विद्या का राजा, राज गोह्यम, राज गोह्यम, गोपनीय ज्ञान का राजा, गोपनीय ज्ञान का राजा, पवित्रम, पवित्रम, शुद्धतम, इदम् यह उत्तमम्, दिव्य, दिव्य, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अनुभव से अवगमम्, समझा गया, धर्म्यम्, धर्म, सुसुखम्, अत्यंत सुखी, कर्तुम्, संपन्न करने में, अव्ययम्, अविनाशी। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। अब हम सुनेंगे तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क, सांडिल्य तथा वैश्वानर हैं। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि है नवम अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा राज विद्या की पराकाष्ठा है भक्ति योग। सामान्यतया लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जहाँ तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, उसमें राजनीति, समाज शास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरी आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है, जहां आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती हो। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, तो भी लोग आत्मा की चिंता ना करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। भगवद गीता में द्वितीय अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर। अंत्यवंत में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः, यही ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल यह जान लेना कि यह आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है, इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता तो मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है, तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है, किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? यह सदैव सक्रिय रहता है। यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत
सक्रिय रहता है और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप अध्यात्म ज्ञान के गुह्यतम अंश हैं। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है। जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है, पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों के फल हैं। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। उदाहरणार्थ जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता, इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर यह वृक्ष का रूप धारण करता है, तब इसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं और तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपभोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। जैसा कि सातवें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों या बंधनों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। दूसरे शब्दों में जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे समस्त कर्म फलों या बंधनों से पहले से मुक्त हुए रहते हैं। इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण प्रलीयेत विष्णुभक्ति रतात्मनाम। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं उनके सारे पाप कर्म, चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो या बीज रूप में हों, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्धिकारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धतम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है, तमस का अर्थ ये भौतिक जगत या अंधकार है और उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे हुआ। भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक नहीं होते, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित होते हैं। तो तात्पर्य बहुत लंबा है, यहीं पर ही हम यहाँ आज का विश्राम देंगे और फिर कल इसके आगे तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ओम ज्ञान तिमुरंदस्य ज्ञानार्जन शलाख्य सक्षुरमूर्तम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशति गौर भक्तवृंद। सब बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। राज विद्या, व्हाट इज मीन बाय राज विद्या? राज मीन्स किंग, विद्या मीन्स नॉलेज। राज विद्या का मतलब है कि जो है ज्ञान का राजा। इट्स लाइक देयर इज अ कॉमन मैन एंड देयर इज अ लर्नड मैन एंड देयर इज अ लीडर द स्कॉलर्स एंड लाइक दैट प्रेसिडेंट। सो द प्रेसिडेंट इज अ टॉप मोस्ट, लाइक दैट द नॉलेज विच इज द टॉप मोस्ट इज कॉल्ड एज राज विद्या। तो जैसे कुछ सामान्य लोग होते हैं उनमें फिर कुछ विद्वान होते हैं, फिर उनमें कुछ और विशेष विद्वान होते हैं, फिर उनका राजा होता है, तो वो राजा सबसे ऊंचा होता है। इसी प्रकार से ये समस्त विद्याओं का राजा है। सो व्हाट इज दिस किंग ऑफ एजुकेशन? तो समस्त विद्याओं का राजा क्या है? इट्स लाइक इन अ डिफरेंट इन द मटेरियल वर्ल्ड देयर इज अ डिफरेंट स्टेटस। तो इस भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार के स्तर हैं।
In similarly, in education also, there is a different status. उसी प्रकार से शिक्षा के भी अलग अलग स्तर हैं. Someone goes for 3-year graduation, someone goes for 4-year graduation. तो कोई व्यक्ति स्नातक का पद प्राप्त करता है 3 साल में, कोई 4 साल में. Same way, it's like the highest topmost education is the Krishna consciousness. उसी प्रकार से जो शिक्षा का सबसे ऊंचा स्तर वो कृष्ण भावनामृत है. So now the question arises, what is this? How can you say that this Krishna consciousness is the topmost? तो फिर प्रश्न उठता है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च विद्या है? Because the real knowledge is who I am. Who I am. Real knowledge. क्योंकि असली जो ज्ञान है वो है कि मैं कौन हूँ. So unless we come to this point, who I am, and whatever education you get, and you don't come to this conclusion, who I am, then that is the purpose is not solved. तो आप जो भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य अगर ये नहीं है कि मैं कौन हूँ तो सब कुछ बेकार है. Just take an example from the scriptures, like Chaitanya Mahaprabhu, when he was preaching, the first disciple was Sanatan Goswami. तो चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण हम लें कि उनके सबसे पहले जो शिष्य थे वो सनातन गोस्वामी थे. He was a finance minister of Nawab Hussain Shah. और वे नवाब हुसैन शाह के अर्थ वित्त मंत्री थे. So he was a well-learned scholar. तो वे बहुत बड़े विद्वान थे. He retired from the finance minister and he joined Chaitanya Mahaprabhu. तो वे वित्त मंत्री थे और फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के दल में शामिल हो गए. So when he came to Chaitanya Mahaprabhu, the first inquiry was. तो जब चैतन्य महाप्रभु के पास आए तो सबसे पहला जो उनका प्रश्न था वो ये था. What is education? कि शिक्षा क्या होती है? What is like you were saying? I was educated, but I don't know what is going to be education. उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत शिक्षित हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि शिक्षा क्या होती है. So he is not an ordinary person. He was very much scholar in Sanskrit. He was a very much scholar in Persian language. Persian language is like when British came to India, they were teaching us English. Same way when the Pathan was ruling the state and they were teaching their own language, that is Persian language. Persian. Parsi. हाँ Parsi. तो सनातन गोस्वामी सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बहुत ही शिक्षित विद्वान थे. और वे जो है फारसी भाषा जानते थे. जैसे कि अंग्रेज लोग भारत में आए तो वो उन्होंने इंग्लिश भाषा सिखाई. उसी प्रकार से जब वो अरबी लोग आए यहाँ, अरब के मुसलमान, तो उन्होंने फारसी भाषा सिखाई थी और सनातन गोस्वामी इस भाषा को जानते थे. सो पीपल इन जनरल दे कॉल हिम वेरी स्कॉलर. तो सामान्य लोग उनको बहुत बड़ा विद्वान मानते थे. महाप्रभु सेड, बट व्हाई आर यू कॉलिंग योरसेल्फ अनएजुकेटेड? यू आर वेरी वेल एजुकेटेड. And why are you saying like this? You have been, you know, if you go and ask any common people, they used to say Sanatan Goswami is a well-learned person. But how can you say that you are not educated? तो महाप्रभु ने उनसे पूछा कि आप ऐसा कैसे कहते हैं कि आप शिक्षित नहीं हैं? किसी सामान्य व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे तो वो बताएगा कि सनातन गोस्वामी तो बहुत ही शिक्षित हैं. He replied, I think I am not educated because I don't know who I am. तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं शिक्षित नहीं हूँ क्योंकि मैं ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू सफर इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम सफरिंग इन दिस. तो मैं जानता हूँ कि संसार में बहुत कष्ट हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि संसार में ये सब कष्ट मैं क्यों भोग रहा हूँ. It looks like I mean enforced the suffering. और ऐसा लगता है कि इसे मेरे ऊपर बलपूर्वक कष्ट आ रहे हैं. आई डोंट नो वेयर आई केम फ्रॉम एंड आई डोंट नो वेयर टू गो. और मैं नहीं जानता कि कष्ट कहाँ से आ रहे हैं और मैं ये नहीं जानता कि मुझे कहाँ जाना चाहिए. But still people think that I'm very much educated. और परंतु फिर भी लोग सोचते हैं कि मैं बहुत शिक्षित हूँ. And they desecrate me as a finance minister. कि मैं इतना शिक्षित हूँ कि मैं वित्त मंत्री बन गया. So I'm scholar, I'm satisfied. People think like that. तो मैं जो है बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा संतुष्ट हूँ, लोग ऐसा सोचते हैं. Oh, महाप्रभु, but as for me, I'm such a fool number one. I don't know who I am. परंतु हे महाप्रभु, मैं तो सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, मैं ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ. सो दिस इज द एक्चुअल पोजीशन राइट नाउ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. तो ये वास्तविक स्थिति है भौतिक संसार में. सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर एडवांसमेंट, आर वी वेरी प्राउड ऑफ आवर व्हाटएवर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन वी हैव. तो हमें तो बहुत गर्व है कि हमारी बड़ी योग्यता है, बड़ी शिक्षा है. बट यू ऑल कैन इंक्वायर योरसेल्फ दैट हु वी आर, हु आई एम, देन you may not able to answer. If you're answering, then you have got the real knowledge. परंतु आप अपने से ही ये प्रश्न पूछिए कि आप कौन हैं,
और अगर आपको ये उत्तर नहीं मिलता है इसका मतलब है कि आप शिक्षित नहीं हैं. So if you are able to pass this examination that I am not this body, I am the soul, then you are in real knowledge. परंतु अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाएं कि आप ये शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, तो इसका मतलब आप उत्तीर्ण हो गए. So the Krishna when he was imparting the knowledge to the Arjuna that you are not this body and you are this soul, that's why it is called as Raja Vidya. तो चूंकि कृष्ण अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, इसलिए इस ज्ञान को राजविद्या कहा जाता है. So, Rajvidya means to know who we are and act according to that. राजविद्या का मतलब है कि हमें जानना है कि हम कौन हैं और उसके अनुसार कार्य भी करना है. So, sometime, problem right now what we have is we don't know our position and we are trying to act in an unnatural position. That's why we end up in a lot of problems. तो समस्या यही है कि हम इस बात को तो जानते नहीं हैं और बिना इस बात को समझे अनेक प्रकार के कार्यों में लगे हैं, इस कारण से ही समस्याएं आती हैं. सो मेनी पीपल नोज दैट आई एम नॉट दिस बॉडी बट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. दे नो थियोरेटिकली बट दे डोंट नो, दे हैव नॉट रियलाइज्ड इट. तो बहुत से लोग जानते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, परंतु इसको जो है वो अनुभव नहीं कर पाते. बट दिस इज नॉट सफिशिएंट एक्चुअली. तो इतना पर्याप्त नहीं है. वी मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट. तो हमें उसके अनुसार कार्य भी करना होगा. So that is the act that is all not material, it's a spiritual. तब जो है आपके जो कार्य हैं वो भौतिक नहीं होंगे, आध्यात्मिक होंगे. That is called as Krishna consciousness. The activity which we do in Krishna consciousness is completely spiritual. तो इसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं. जो कुछ भी आप कृष्ण भावनामृत में करते हैं वो पूरी तरह से आध्यात्मिक होता है. That's why it is called as Rajvidya. I said in first, Krishna consciousness is Rajvidya. So I just gave an explanation how Krishna consciousness is Rajvidya, because the activity which we do is completely spiritual and which is completely on the soul level. The food which is, whatever activities you do, you are giving, feeding your food to the soul. तो इसीलिए इसे राजविद्या कहा जाता है कि जितने भी कार्य होते हैं सब आध्यात्मिक होते हैं और इसी में ही व्यक्ति की पूर्णता है. So now Rajvidya Rajguhyam. The Rajguhyam is, Guhyam means confident. Raja means it's very confidential. तो गुह्यम का मतलब है जो गुप्त हो, और राजगुह्यम का मतलब है बहुत ज्यादा जो गुप्त है. It is not very easy to accept Krishna consciousness. तो ये बहुत आसान नहीं है कि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार किया जाए. But by mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, we got very easily. परंतु चैतन्य महाप्रभु कृपा से हमें ये बहुत आसानी से प्राप्त हुआ है. So by महाप्रभु, महाप्रभु gave us हरे कृष्ण महामंत्र. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Through this we can get delivered. तो महामंत्र, महाप्रभु ने ये महामंत्र दिया है और इसके द्वारा हम बहुत आसानी से उद्धार हो जाता है. कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी रेयर एंड इट इज वेरी इजी. व्हाई? तो कृष्ण भावनामृत बड़ा दुर्लभ भी है और बहुत सुलभ भी है. क्यों? देयर आर वेरियस योगा, कर्म योगा, ज्ञान योगा एंड भक्ति योगा. सो भक्ति योगा, व्हाई भक्ति योगा इज टॉप मोस्ट इज बिकॉज इन कर्म योगा यू नीड टू कम टू अ सर्टेन लेवल एंड ज्ञान योगा यू हैव टू कम टू अ सर्टेन लेवल. ओनली फ्यू पीपल कैन प्रैक्टिस ज्ञान योगा. एग्जाम्पल, दोज हू आर इन सतगुण, दैट इज इन हू इज अ ब्राह्मण, देन ही कैन प्रैक्टिस. One is situated in Sataguna, only he can practice Gyan Yoga, not everyone. तो ये भक्ति योग जो है सर्वोच्च क्यों होता है? क्योंकि कर्म योग में जो है आप किसी स्तर तक आ पाते हैं, और फिर ज्ञान योग में आप तभी आ सकते हैं जब आप सत्वगुण में आ जाएं. So but भक्ति योग anyone can practice. परंतु भक्ति योग का अभ्यास कोई भी कर सकता है. And the result is topmost. Result is topmost. At the same time. प्लेटफॉर्म. तो आपको सतगुण में भी आने की जरूरत नहीं है इसका अभ्यास करने के लिए. तो कोई व्यक्ति चाहे वो किसी भी गुण में हो, और चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वो जो है भक्तियों का अभ्यास कर सकता है और तीनों गुणों से ऊपर जा सकता है. That's why this bhakti yoga is topmost. इसीलिए भक्ति योग सर्वोच्च है. Lord Chaitanya has discussed the living entity in an analytical way. तो भगवान चैतन्य ने analytical way से he has studied all living entities.
चैतन्य महाप्रभु ने समस्त जीवों का अध्ययन विश्लेषण करते हुए किया। There are innumerable living entities, moving and non-moving. तो असंख्य जीवात्माएं हैं, चर और अचर। So if you dig the earth, you will find lot of living entities. If you dig the earth. अगर आप जमीन को खोदते हैं तो आपको प्राणी मिलते हैं। If you study the air, you can find many living entities. अगर आप हवा का अध्ययन करते हैं तो उसमें बहुत जीव मिलते हैं। And if you go deep into the water, you can find many living entities. और अगर आप पानी की बहुत गहराई में जाएं तो आपको देखेंगे बहुत जीव हैं। So in all over the whole universe, there are two type of living entities, that is moving and non-moving. तो पूरे ब्रह्मांड में दो प्रकार के जीव हैं, चर और अचर। So the not moving is like plant, in plant and grass, like stone. You can say that even the stone is living. तो जो अचर हैं उनमें से वृक्ष हैं या पत्थर हैं इस प्रकार के। Like the stone, you may think that how can you say that the stone is not living? Like in the human being also we can consider the stone, the consciousness is not fully developed. हाँ, तो जैसे पत्थर है तो आप कहेंगे कि पत्थर कैसे उसमें जीव है, लेकिन वो जीव होता है लेकिन उसकी चेतना पूरी विकसित नहीं होती। सिमिलरली इफ ए पर्सन हु डज नॉट अंडरस्टैंड हिज पोजीशन, इफ हिज कॉन्शियसनेस इज कम्प्लीटली कवर्ड, देन ही इज आल्सो इज लाइक ए स्टोन। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर उसकी चेतना विकसित नहीं हुई है तो उसकी भी चेतना पत्थर के समान है। सो इफ यू सीन मूविंग, देयर इज अ बीस्ट, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग, डेमीगॉड, सेलेस्टियल एंजल्स, these are all moving living entities. और जो चर जीव हैं उनमें ये सब जो है पशु हैं, पक्षी हैं और देवता हैं, गंधर्व हैं। 8.4 million living entities, the species of 8.4 million species. 84 lakh प्रकार के प्राणी हैं। Out of that the 4 lakh species are human being. और उनमें से 4 लाख ही जो है मनुष्यों की योनियां हैं। See, out of 8.4 million species only the 4 lakh is human being. In that living, in that human being also 99% are atheistic people. तो ऐसे जो 84 लाख जो मनुष्यों की योनियां हैं उनमें भी 99% are atheistic. 99% तो लोग नास्तिक हैं. They don't believe there is a God. तो वे विश्वास ही नहीं करते कि कोई भगवान है. So that you know the population of Delhi and how many people are sitting over here. तो आप जानते हैं कि दिल्ली की कितनी जनसंख्या है, उसमें से कितने लोग यहाँ बैठे हैं। So you are all very fortunate souls. तो आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं। So only the who has an immense pious credit, only they can come to the temple. So it's not that everyone can come. तो जिनके बहुत अधिक पुण्य होते हैं तो वही मंदिर में आ पाते हैं, सब लोग नहीं आ पाते हैं मंदिर। So like we were discussing, only the one person people are, they believe that there is a God. Even in that one person, very few people they accept scriptures. तो उनमें से 1% लोग ऐसे हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं, उनमें भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो शास्त्रों में विश्वास करते हैं। We can say they are devoted to scriptures. तो वे जो है शास्त्र के प्रति अनुरक्त होते हैं। Many people they call I'm a Christian, I'm a Hindu, I'm a Muslim, but they don't accept scripture. तो बहुत से लोग हैं अपने को कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, ईसाई हूँ, परंतु शास्त्रों को स्वीकार नहीं करते। So they mostly attracted to some kind of ritual activities. तो वे जो है कुछ ही आध्यात्मिक कार्यों के प्रति आकर्षित होते हैं। So I go to temple, by this I feel good, peace, okay, that's all. But they don't follow scriptures. हाँ, तो कुछ लोग हैं मंदिर में आते भी हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें शांति दीजिए, लेकिन वे शास्त्रों को स्वीकार नहीं करते। सो दिस इज वन क्लास ऑफ पीपल। अदर क्लास ऑफ पीपल, दे गिव चैरिटीज, दे डू तपस्या एंड दे डू तो कुछ लोग हैं जो कि दान भी करते हैं और यज्ञ हैं, तप हैं, करते हैं। So tapa means voluntarily, like sannyasis, vanapas, and brahmacharis, they do tapasyas. तो तपस्या का मतलब है स्वेच्छापूर्वक, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, वानप्रस्थी हैं, वो तपस्या करते हैं। So yagya means sacrifice. In Mahabharata, you'll know that they do big sacrifice. But in this Kali Yuga, you cannot do the sacrifice. तो महाभारत में described in scriptures. महाभारत में हम देखते हैं कि राजा लोग हैं, बड़े-बड़े यज्ञ करते थे, लेकिन इस समय तो हम ऐसे यज्ञ नहीं कर सकते। Because the king used to collect tax from the people and used to organize that, and it cost humans amount of price to do that. But in this Kali Yuga, if anyone want to do sacrifices, it's highly impossible. तो उन दिनों राजा लोग
प्रजा से कर वसूल करते थे और उस धन से वे बड़े बड़े यज्ञ करते थे, लेकिन कलयुग में अब ये यज्ञ करना संभव नहीं है. सो द मेनी ऑफ द पीपल दे फॉल सम काइंड ऑफ रिलीजियस एक्ट, सम काइंड ऑफ फेथ, सम डेमी गॉड वर्कशिप, मेनी काइंड ऑफ वर्कशिप. दे थिंक एवरीथिंग इज वन, यू वर्कशिप एवरीथिंग, एवरीथिंग इज वन, सम काइंड ऑफ रिचुअलिज्म. दे डोंट गो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स. तो बहुत से लोग हैं जो कि शास्त्रों को नहीं स्वीकार करते हैं और फिर वो यही सोचते हैं कि सब कुछ एक है और इसी प्रकार के सिद्धांत अपनाते हैं. इन दैट आल्सो ओनली वेरी फ्यू पीपल दे टेक अप स्क्रिप्चर्स एंड दे फॉलो अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स. तो भारत में भी बहुत कम लोग ही हैं जो कि शास्त्र को स्वीकार करते हैं और शास्त्र को पढ़ते हैं. सो एंड देन दे अक्सर दे कम टू द कंक्लूजन दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ सोल. सो दे ट्राई टू परफेक्ट देयर लाइफ. तो अभी निष्कर्ष निकालते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ. इस प्रकार से अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं. सो इफ़ यू डू नॉट प्रैक्टिस द स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, यू कैन नॉट रियलाइज दैट यू आर अ सोल. यू मे बी नोइंग दैट आई एम अ सोल, बट यू कैन नॉट रियलाइज दिस पॉइंट अनटिल अनलेस यू डोंट प्रैक्टिस द स्पिरिचुअल एक्टिविटीज. तो जब तक आप आध्यात्मिक कार्यों का अभ्यास नहीं करते हैं, तब तक आप अपने को आत्मा के रूप में अनुभव नहीं कर सकते हैं. Why this point is so important is until unless you are not liberated, you cannot understand what is Krishna. तो इस बात को ज़्यादा महत्व क्यों दिया जाता है, क्योंकि जब तक आप मुक्त नहीं होते हैं, तब तक आप कृष्ण को समझ नहीं सकते. चैतन्य महाप्रभु एक्सप्लेन्स आउट ऑफ मेनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु हैज टेकन इनटू दिस प्रोसेस, व्हेन हु हैज एक्सेप्टेड स्क्रिप्चर्स, हु हैज प्रैक्टिसिंग दिस प्रोसेस, ओनली फ्यू दे बिकम परफेक्ट. हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि बहुत कम लोग ही हैं जो कि जिन्होंने अपने जीवन को सफल किया है. सो it seems this process is very difficult. Oh, it is not possible for me. You itself said that it is very few people and I am not like that. To aap keh sakte hain ki ye to bahut kam logon ke liye ye rasta hai, to main to aisa nahi hu, mere liye to nahi hai, main to nahi kar sakta isko. But with my mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu and Krishna, he made the process very easy. परंतु चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण ने अपनी कृपा के द्वारा इस विधि को बहुत सरल बना दिया है. जस्ट बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यू कैन कम टू द पॉइंट ऑफ लिबरेशन वेरी इजीली. तो केवल इस हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन के द्वारा ही आप मुक्ति के धरातल पर बड़ी आसानी से आ सकते हैं. आई लाइक टू गिव अ स्मॉल ब्रीफ thing about what is with this liberation, because once you understand what will happen when we get the liberation, then you can think about practicing this Krishna consciousness. तो ये जो liberation ना, तो ये जो मुक्ति है, इसको आप समझना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति समझ लेता है कि मुक्ति क्या होती है, तो फिर वो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करता है. Actually, if a man is liberated, he is very happy. तो जब कोई व्यक्ति first symptom. Symptom is very happy. तो जब कोई व्यक्ति मुक्त हो जाता है, तो सबसे पहला लक्षण उसका होता है कि वो बहुत ही प्रसन्न होता है. He will be never. तो वो कभी भी उदास नहीं होता है. He is always happy in any condition of life. तो वो जीवन की प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न रहता है. He has no anxiety. और वो बहुत आनंद भोगता है. So, like it doesn't mean that he has to be very rich. Even a poor person can be liberated. तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति बहुत धनी होता है. कोई निर्धन व्यक्ति भी कृष्ण भावना भावित हो सकता है. Because I use this word no anxiety. No anxiety means that doesn't mean that you need to learn, you need to earn much to become no anxiety, anxiety free person. Even without learning, with a poor, you have to work hard. That doesn't mean that you sit in a house and everything happens. That is not the. You need to work hard to maintain your life. But even if a poor person also can reach this liberated state just by chanting this Hare Krishna Mahamantra. तो मुक्त होने का के लिए ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत धनी हों. तो कोई व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के द्वारा. व्हाट आर द पोजीशन इज गेट इज नथिंग टू डू विद द पोजीशंस. तो इसमें जो पदवी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है. सो वन इज इन मटेरियल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एक्चुअली is into the anxiety. That's why the person who comes into the temple is called as is entered into the Vaikuntha. Vaikuntha means kunta means full of anxiety, and Vaikuntha means there is no anxiety.
तो जो भौतिकतावादी जीवन होता है वो चिंताओं से भरा होता है, इसीलिए लोग मंदिर में आते हैं। लेकिन जो मुक्ति का जीवन होता है उसमें किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। हाँ, तो जो मुक्त व्यक्ति होता है उसे प्रसन्न आत्मा कहा जाता है, मतलब वो हमेशा प्रसन्न रहता है। So I have nothing to lose, I have no problem, so I'm joyful. तो मेरा कुछ खोने वाला नहीं है, मेरी कोई समस्या नहीं है। So that's why he is liberated. इस कारण से वो मुक्त होता है। So and in this there is no distinction also, there is no caste. I'm Sudra, Vaishya, Kshatriya, Brahmana. There's nothing like that. और इसमें किसी प्रकार का ये भेदभाव नहीं होता है कि मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण हूँ, वैश्य हूँ। हाँ, सो बाय दिस आफ्टर लिबरेशन ही कैन बिकम ए प्योर डिवोटी, ही विल गेट एलिजिबिलिटी टू बिकम ए प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। जिस प्रकार से मुक्ति के बाद वो व्यक्ति योग्य हो जाता है कि वो कृष्ण का शुद्ध भक्त बन पाता है। सो द लिबरेशन इज द नॉट एंड, द लिबरेशन इज नॉट द फाइनल। आफ्टर लिबरेशन after liberation the life begins. तो जो मुक्ति है तो यही जो है अंतिम बिंदु नहीं होता है, बल्कि इसके बाद भक्ति का जीवन शुरू होता है। So practically this process to practice it is very difficult. Why? If you do not take it very seriously, that's why it is very difficult, because the life duration of a human being is very short. What is difficult? It is very difficult because the life duration of human being is very short. To perfect ourselves. तो अपने जीवन को सफल बनाना बड़ा मुश्किल भी होता है, क्योंकि जीवन की अवधि बहुत थोड़ी है, तो इसलिए हमें बहुत कठिनाई होती है। So why it is difficult? You said this Hare Krishna Mahamantra, everything will happen. Again you are confusing me, and it is difficult because it is said in scriptures we are manda. तो ये कठिन क्यों है? अभी तो हमने कहा कि ये बहुत सरल है, फिर हमने कहा कि ये कठिन है। तो ये कठिन इसलिए है क्योंकि हम लोग जो है मंद हैं यहाँ पर। मंद means very slow. See, if you take a normal life, we don't take anything very seriously. Human being, the nature is, he does not get go into serious. Oh, enough. It's like okay, ठीक है। तो मंद का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ढीला होता है और वो किसी भी काम में उसकी रुचि नहीं होती करने की, और जब कहा जाता है तो कहता है हाँ कर लेंगे, हाँ कर लेंगे। Let's take an example of sleeping. Out of 24 hours, your average person sleeps for 12 hours. तो जैसे उदाहरण है सोने का, तो 24 घंटे में से सामान्य लोग हैं 12 घंटे सोते हैं। So in 100 years, 50 years he spends by sleeping. और 100 साल की अगर जीवन है तो उसमें 50 साल तो वो सोने में ही लगा देता है। So in out of 12 hours, 10 hours is very much busy in working hard to earn money. और बाकी जो 12 घंटे होते हैं उसमें वो बहुत व्यस्त रहता है कि वो कठिन परिश्रम करता है और धन प्राप्त so करता practically है। He has only 2 hours. In 2 hours what he can do? Do you think that he can practice spiritual life? तो व्यवहारिक रूप से केवल चौबीस घंटे में केवल 2 घंटे बचे होते हैं उसके लिए, तो आप क्या सोचते हैं 2 घंटे में आप आध्यात्मिक जीवन पूरा कर लेंगे? So in that 2 hours, what time, whatever time he spends, in that it is very difficult for him to understand spiritually. So the spiritual understanding, he need to spend some time. With 2 hours also, you may spend some time. With that, you cannot expect that you to become perfect. तो ऐसे केवल 2 घंटे के समय में आप नहीं कह सकते हैं कि आप पूर्णता प्राप्त कर लेंगे, इतना समय कहाँ है? So that's why people say there is no time. इसलिए लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। So sometimes some people even intend that I do some kind of puja, like I can ready to do any kind of sinful activities because morning I start with doing some kind of puja. He says Jai Jagadagi Jai Hare, Jai Jagadagi Jai Hare. Inside by you'll be watching some kind of TV also, India se Pakistan Hare. So people think that some kind of ritual activities you do, I'm well fed, I can do whatever we want to do. तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं तो सवेरे पूजा करता हूँ और बड़ी अच्छी पूजा करता हूँ, तो दिन भर मैं जैसे भी चाहूँ सब पाप कर्म करूँ, और सवेरे सवेरे वो ओम जय जगदीश हरे बोलते हैं और अंदर ही अंदर भारत और पाकिस्तान का क्या समाचार है वो सोचते रहते हैं। So there was a one story like there was a well there was a one sadhu,
and he trained the horse very nicely. Trying to? Train. एक घोड़ा का अच्छा सा train किया गया. He was training the horse. तो एक घटना है कि एक साधु था तो वो अपने घोड़े को बहुत अच्छा प्रशिक्षण दे रहा था. So one day one person went into the forest and he's lost the path. He don't know how to come out of there. तो एक व्यक्ति जो है जंगल में गया और रास्ता भूल गया, उसको पता नहीं रास्ता है. Luckily he met that sadhu and he was asking for help. तो सौभाग्य से वो साधु से मिल गया तो उसने साधु से सहायता मांगी. And he said, "Do not worry. I have a well-trained horse. Just take this horse." And this horse will take you away from this forest. तो साधु ने कहा कि आप चिंता मत करो, मेरे पास घोड़ा है और ये घोड़ा अच्छा प्रशिक्षित है, तो आप इसमें बैठ जाओ और ये आपको जंगल के उस पार ले जाएगा. But there is two thing you need to follow. परंतु दो बातें हैं जो आपको करनी हैं. When you start your journey, you have to say thank God. Then this horse will start going, moving. तो जब आप अपनी यात्रा शुरू करें तो आप भगवान को धन्यवाद दीजिए तो ये घोड़ा जो है चलना शुरू कर देगा. When you want to stop somewhere, then you say, "Save me," and the horse will stop. Save me. Save. As soon as when you say, "Save me," then horse starts. तो जिस समय आप कहेंगे कि मेरी रक्षा करो तो ये घोड़ा रुक जाएगा. So the person was so happy because he was completely trapped in the forest. So he took the horse and he was going. Thank God, the horse was galloping so fast. तो वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने वो घोड़े में बैठा और उसने कहा कि भगवान को धन्यवाद और घोड़ा चल पड़ा. And he was enjoying the scene and like unfortunately he forgot the second mantra. और अब जो है अब बड़ा अच्छा उसको लग रहा था और बड़े क्षेत्र से देख रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से वो दूसरा मंत्र भूल गया. So he was saying, thank God, the horse was going at a very higher speed. तो वो हमेशा ये बोलता रहा कि भगवान को धन्यवाद और घोड़ा और तेजी से चला जा रहा है. He says, thank God, horse was going first. Thank God, horse was going first. तो वो बस बोलता है धन्यवाद, भगवान को धन्यवाद और घोड़ा भाग रहा है, भाग रहा है. So the horse went top of the mountain. और वो जो घोड़ा है वो पर्वत के ऊपर चढ़ गया. He was about to jump. और वो जो है अब वहाँ से कूदने वाला था. So from inside there was one sound. Oh God, save me. तो अंदर से फिर आवाज आई, हे भगवान मेरी रक्षा करो. So the horse was well trained. It stopped. तो घोड़ा जो है तुरंत रुक गया. Thank God. Then you know what? Then he said, as soon as the horse stopped, then he said, Thank God. तो जैसे घोड़ा रुक गया तो वो बोला भगवान को धन्यवाद. So then you know what would have happened. अब आप जानते हैं क्या होगा. Then horse jumped. Then he's gone. तो घोड़ा जो है फिर कूदा. So this is what the people are. People think that I have some kind of mantra. I have fit. I can face the life because I'm ready to do. And they don't know what could happen because they don't have proper understanding of the spirituality. तो इसी प्रकार से लोग सोचते हैं मेरे पास मंत्र है तो मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, लेकिन वे जो है उसकी वास्तविक जो कठिनाइयाँ नहीं जानते हैं. The spirituality has to be taken properly and the proper training has to be done. तो उसमें जो है मतलब सही प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए और उसके प्रशिक्षण होना चाहिए. Sometimes we think, I believe only in science. All this spirituality is completely sentimental. तो कोई सोचता है कि मुझे तो साइंस में विश्वास है और ये जो आध्यात्मवाद है ये तो पूरी तरह से मनोधर्मी है. But according to me and according to the scripture also, even the science also, we just have a faith. We don't go deep into the science. We just take it sentimentally. Even the science also we take sentimentally. परंतु शास्त्रों के अनुसार तो ये जो विज्ञान है तो ये भी जो है एक प्रकार की भावुकता है, हम लोग इसकी गहराई में नहीं जाते हैं. So when I was studying in engineering college, there was one experiment that is called as to find the value of G. तो जब ये प्रभु जी कॉलेज में पढ़ते थे तो उसमें एक प्रयोग था जिसमें अध्ययन कर किया गया जी का जो है मान प्राप्त करना. That is 9.8. So we were doing experiment. So one person got 30, one person got 20. And one person, he got 10.2 and he was so happy. I got the exact value. तो उसमें जो जितने लोग प्रयोग कर रहे थे तो कोई जो है 13, कोई 15 इस तरह से निकाल रहे थे. तो एक विद्यार्थी था उसको 10.2 मिल गया तो वो बड़ा खुश हुआ कि देखो मुझे सही सही इसका मान मिल गया. एवरियन के आप क्या न्यूटन से बड़ा है क्या? न्यूटन से भी बड़े व्यक्ति है क्या?
And he was, he just, many people, and all students came, you think that you are greater than Newton? Adarsh se. तो दूसरे विद्यार्थियों ने कहा क्या तुम न्यूटन से भी ज्यादा बड़े हो गए हो? वॉट एवर वैल्यू कम्स यू शुड राउंड ऑफ टू 9.8 बिकॉज़ 9.8 इज द एग्जैक्ट वैल्यू. तो आपको जितना भी मान मिलता है आपको 9.8 पर लाना है. 9.8 ही जो है सही मान है. यू मेड हैव डन एग्जैक्टली बट वी हैव अ स्ट्रांग फेथ इन न्यूटन वी डोंट हैव फेथ इन आवरसेल्फ. तो चाहे जो कुछ भी मतलब हो लेकिन लोगों की श्रद्धा न्यूटन में है और कृष्ण में नहीं है. खुद में नहीं है तो खुद में नहीं है कि भाई मैंने सही किया होगा. न्यूटन में श्रद्धा है. बिकॉज़ नोबडी वांट टू गो इनटू द डिटेल्स नोबडी वांट टू गो इनटू द डीप. ओके साइंटिस्ट हैज डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क आई डोंट वांट टू पुट लेट मी एक्सेप्ट इट. सो द फेथ ड्वेल्स इन बोथ इन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी. इट इज नॉट दैट साइंस इज फैक्ट एंड स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट फेथ. तो वे लोग जो है मतलब साइंस में तो इतना उनको विश्वास है कि भाई साइंस में या साइंटिस्ट लोगों ने जो कुछ किया है वो सही है वो सही होगा. लेकिन उनका विश्वास उन शास्त्रों में नहीं है आध्यात्मिकता में नहीं है. सो द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द फेथ ड्वेल्स इन बोथ. इफ यू एक्सेप्ट स्पिरिचुअलिटी यू विल रियलाइज व्हाट यू हैव बीन हियरिंग नाउ यू कैन रियलाइज. बट इन साइंस यू कैन नॉट रियलाइज यू जस्ट यू वांट टू एक्सेप्ट इट. इफ इट्स 9.8 इट्स 9.8 यू कैन नॉट रियलाइज द पॉइंट. But has been speaking in the science, but in the spirituality you can realize, and then that gives you more faith. How the faith increases, the once you start realizing what the things has been spoken is right, then you take it very deeply. तो विज्ञान में तो ऐसा कुछ नहीं होता है. उसमें तो कोई एक बात होती है कि बस यही इसको मानना है और बाकी इसमें कुछ विचार नहीं किया जाता है. लेकिन जो आध्यात्मिकता है तो इसमें विचार किया जाता है. उसमें आप जो है गहराई में जाते हैं और समझते हैं तो आपकी फिर और श्रद्धा बढ़ती है. तो इसमें आपको सुख मिलता है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज पवित्रम. राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम. पवित्रम मींस द मोमेंट यू टेक इनटू दिस प्रोसेस यू गेट प्यूरिफाइड. तो पवित्र इसको पवित्र कहा गया है कि जैसे ही आप इसको स्वीकार करते हैं आप पवित्र हो जाते हैं. इमीडिएटली there is no doubt there is immediately you get into the purification process. To turant hi isme koi sandeh nahi hai. And it is called uttamam. Why it is called as uttamam? It is the topmost. Aur uttam aise kyon kaha jata hai? Kyunki ye sarvochch hai. So by this you attain the topmost goal, that is Krishna. Aur iske karan iske dwara aap sarvochch lakshya prapt karte hain aur wo Krishna hai. And the root cause of our suffering is that is because of our sinful act what we do. और हमारे कष्टों का जो मूल कारण है वो हमारे पाप कर्म है. सो व्हाई डू वी डू सिनफुल एक्ट्स? बिकॉज़ वी आर इन इग्नोरेंस. तो हम वो पाप कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि हम अज्ञान में हैं. सो देयरफॉर द इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ सफरिंग. इसका मतलब है कि अज्ञान ही कष्टों का कारण है. सो दैट्स व्हाई द वन हु टेक्स इनटू द कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस यू जस्ट इज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दिस इग्नोरेंस लेयर. तो जिस समय हम कृष्ण भावनामृत की विधि का पालन करते हैं तो हम अज्ञान से निकलना चाहते हैं. What is that? That is coming into the proper knowledge. तो इसका मतलब क्या है कि हम जो उचित ज्ञान पर आते हैं. What is that proper knowledge? Who I am? और उचित ज्ञान क्या है कि मैं कौन हूँ? What is this world is all about? What is this world all about? और सब कुछ ये संसार क्या है? What is God? और भगवान क्या है? What is my relationship with God? और भगवान के साथ क्या संबंध है? What I have to do with him? और मुझे उनके साथ क्या करना है? We just come, but we don't know what to do. What someone is doing obeisances, someone is standing there, but we did get confused what to do. Somebody is coming here. बहुत हम कुछ पता नहीं क्या करना है इधर. भगवान के साथ क्या करना है? लोगों को पता नहीं. तो लोगों को कुछ पता नहीं है अगर आते हैं कि क्या करना है उनको, भगवान के साथ क्या संबंध है. So you may be a very technical expert or big person, bit departmental head, but that knowledge does not give you these things. तो आप जो है बहुत बड़े तकनीकी व्यक्ति हो सकते हैं या बहुत बड़े विभाग के अध्यक्ष हो सकते हैं लेकिन आपको इसका अगर ज्ञान नहीं है. दैट्स व्हाई वी नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस स्क्रिप्चर एस्पेशली भगवद गीता. इसीलिए हम शास्त्रों में से विशेष भगवद गीता के ज्ञान का लाभ उठाते हैं. इट इज एक्सेप्टेड एज अ प्राइम स्क्रिप्चर्स. और ये जो है सर्वोच्च शास्त्र माना गया है. यू विल फाइंड एवरीथिंग इन द भगवद गीता इज वेरी नाइस. और हर चीज भगवत गीता में बहुत अच्छी तरह से बताया गया. यू पुट एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स तो आप किसी प्रकार का तर्क दें. यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन गेट द आंसर फ्रॉम दैट. और आप समझ सकते हैं और उसका उत्तर भी पा सकते हैं. एवरीथिंग इज क्लियर इन भगवत गीता. तो भगवत गीता में हर चीज स्पष्ट है. सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस भगवत गीता. तो आप इस भगवत गीता का लाभ उठाइए. सो यू कैन अंडरस्टैंड भगवत गीता मोर इफ यू टेक टू द हरे कृष्ण चैंटिंग प्रोसेस.
तो आप जो है भगवद गीता को और अच्छी तरह समझ सकते हैं अगर आप हरे कृष्ण मंत्र का जप कर दें। सो वी हैव टू बिगिन विद ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन दैट इज हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? तो आज के श्लोक में भगवान इस ज्ञान के कुछ विशेषताएं बता रहे हैं। तो सबसे पहली विशेषता आज के श्लोक में क्या बताई भगवान ने, कौन बताएगा? सबसे राज विद्या, ये समस्त विद्याओं का राजा है ना। तो समस्त विद्याओं का राजा क्यों कहा भगवान ने? अभी चर्चा हुई आप लोगों के सामने, समस्त विद्याओं का राजा क्यों कहा, कौन बताएगा? बाकी जितने भी शास्त्र हैं उनका ये सार है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा उच्चारित है। तो ठीक है, लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि जितने भी दूसरे ज्ञान के विभाग हैं तो उनमें बहुत कुछ ज्ञान होता है, जानकारी होती है, लेकिन अपने बारे में जानकारी नहीं होती कि मैं कौन हूँ। वैसे तक आप अपने को नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ, तो आप जो है मतलब बिल्कुल शिक्षित नहीं माने जाएंगे, है ना। और चूँकि गीता में भगवान ने अर्जुन को जो जानकारी दी है कि मैं कौन हूँ, आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, इसलिए विद्याओं का राजा है, है ना। और फिर इसमें उसके आधार पर हमें कार्य भी करना है ना। तो ये जो है मतलब व्यवहारिक शिक्षा भी है, तो इसलिए इसको राज विद्या कहा गया है, ठीक है ना। और फिर राजगुह्यम, ये सबसे जो है गोपनीयों का राजा है, सबसे गुप्त है, इसका क्या मतलब, कौन बताएगा? क्योंकि ये सभी इसमें आत्मा का ज्ञान है, जिससे जानने के बाद में और कोई भी कष्ट नहीं होगा, इससे जानने के बाद में और कोई दूसरा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी। गुह्यम का मतलब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जहाँ तक सामान्य शिक्षा का संबंध है उसमें राजनीतिक समाजशास्त्र, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, ज्योतिर्विज्ञान आदि कामों में वो व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ये ज्ञान के अनेक विभाग हैं, पर बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जो आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती हो। जहाँ पर राजगुह्यम का मतलब है कि बहुत गोपनीय है, क्योंकि संसार में लोग जो है और कई प्रकार के जिज्ञासाएं करते हैं और अपनी शिक्षा का विस्तार कर रहे हैं, लेकिन इसको कोई नहीं जानना चाहता, इसलिए गुप्त है। और चूंकि भगवान से आ रहा है, तो भगवान से आ रहा है तभी कोई व्यक्ति जान सकता है, अपने प्रयास से कोई जान नहीं सकता, इसलिए इसको राजगुह्यम कहा गया है, है ना। और इसके बाद तीसरा शब्द क्या है इसमें? पवित्रम। पवित्रम इसका क्या मतलब? क्योंकि दूसरी विद्याएं पवित्र नहीं करती, लेकिन इस ज्ञान को जानने के बाद में पवित्र हो जाता है और इस रास्ते पे चलता है जिससे कि वो मतलब वापस कर्म बंधनों में नहीं फंसे और शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए कहते हैं ये विद्या को जानने के बाद आदमी पाप से भी, पाप करने का प्रवृत्ति जो होता है मन में, उसमें भी वो ऊपर उठ जाता है। हो सकता है धाम जाने के बाद कोई पाप नष्ट होता है, लेकिन ये विद्या श्रवण करने के बाद पाप करने का प्रवृत्ति जो होता है वो प्रवृत्ति संपूर्ण रूप से नष्ट होता है और भगवान के चरण कमल में हमेशा मन लगता है और धाम वापस जाने का। हाँ, जैसे कि इस आंदोलन में जो लोग भी जुड़ते हैं तो वे बड़ी जल्दी शुद्ध हो जाते हैं, उनका जीवन पवित्र हो जाता है, और जो गंदी आते हैं वो खराब बदल मतलब दूर हो जाती हैं, है ना। इस आंदोलन में जितने लोग आए उनका नशा, मांसाहार, व्यभिचार, जुआ बंद हो गया, और नहीं तो वैसे जो है बंद नहीं हो पाता है। तो चूँकि ये पवित्र है तो इसलिए इस आंदोलन के द्वारा लोग जो है अपवित्र जितने भी उनकी अपवित्र आदतें होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं, अपने आप दूर हो जाती हैं, क्योंकि ये पवित्र करता है।
सॉरी प्रभु जी, एक और महत्वपूर्ण बात है कि ऐसी पेच खुल गया था हवा से और मैं ऐसे पकड़े था तो मेरी निगाह पड़ी पवित्र का मतलब इसमें प्रभुपाद जी बोल रहे परमेश्वर शुद्धाति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्धातीत शुद्ध होता है। जैसे कि धन्यवाद ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिष्य राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय। शिष्य गौरताई भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय।